जय माता दी। दोस्तों, आज हम आए हैं दिल्ली के एक फेमस मंदिर में जो कि प्रीत विहार में है। और ये मंदिर मेट्रो स्टेशन से बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ये शिव मंदिर गुफा वाले मंदिर के नाम से फेमस है। तो आइए मंदिर में दर्शन करते हैं। चलिए। आप हमारे पीछे देख रहे हैं गणेश जी, और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर प्रतिमा है। चलिए गुफा के अंदर चलते हैं। और गाइस, आज यहाँ नीचे फर्श खाली है। वैसे यहाँ पर बर्फ का बिल्कुल ठंडा पानी होता है जो आपके पैरों को बिल्कुल सुन्न कर देगा। आई होप सो जब आप नेक्स्ट टाइम आए तो आपको यहाँ पर वो पानी मिले। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं माँ वैष्णो के दर्शन के लिए। आइए आपको दर्शन कराते हैं। आ गए हैं गुफा के अंदर, और ये माता वैष्णो। बहुत ही अद्भुत नज़ारा भवन का। ये देखिए हम गुफा के अंदर आ चुके हैं, और ये देखिए। जय माता दी।
तो ये हम अंदर आ गए गुफा के। ये देखिए अद्भुत नजारा। ये है माँ चिंतपूर्णी। जय माता दी। ये माँ ज्वाला। और ये माँ कात्यायनी। जय माता दी। ये देखिए बहुत ही अद्भुत नजारा। चलिए बाहर चलते हैं। दोस्तों हमारे साथ है पंडित जी जो इस मंदिर की देखरेख करते हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में। तो बताइए पंडित जी। देखो जी, ये शिव मंदिर गुफा वाला प्रीत बिहार में स्थित शिव मंदिर गुफा वाला दिल्ली में एक बड़े मंदिरों में से एक बड़ा मंदिर है। और जैसे कि अभी भाई साहब ने कहा कि मंदिर की देखरेख, मैं तो यहाँ एक सामान्य सा भगवान की पूजा करता हूँ। मंदिर की देखरेख जो है शिव मंदिर गुफा वाला प्रीत बिहार की मैनेजमेंट कमेटी है, तो सारी कमेटी देख रेख करती है। और हमारे यहाँ आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि सभी सनातन धर्म के सभी देवी देवताओं, विशाल मंदिर है, सनातन धर्म के सभी देवी देवता हमारे इस मंदिर में प्रांगण में विराजमान हैं। विशेषतया ये गुफा वाला मंदिर के नाम से जाना जाता है। जैसे भी आप जो है जम्मू स्थित माता वैष्णो देवी के यदि आप दर्शन के लिए गए होंगे, बिल्कुल सेम उसी प्रकार वैसे ही गुफा बनाई, गर्भजून बनाई गई है, गुफा बनाई गई है। गुफा के अंदर आप इंट्री करते हैं, पानी के अंदर पैरों में जो है निकलता रहता पानी,
और वहाँ से निकल करके आप तीनों देवियों के पहले जो है माता संतोषी और माँ लक्ष्मी के दर्शन करते हुए माता वैष्णो देवी के वहाँ तीन पिंडियों के रूप में विराजमान हैं आदिशक्ति माँ, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती। वहाँ दर्शन करने के पश्चात आप भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। भैरव बाबा के दर्शन करने के पश्चात एशिया महाद्वीप में सबसे महा जो है बड़ा ज्योतिर्लिंग है, जैसे आप भिन्न भिन्न स्थानों में भारतवर्ष के भिन्न भिन्न स्थानों 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हैं, हमारे यहाँ मंदिर मैनेजमेंट कमेटी की महान कृपा से 12 ज्योतिर्लिंगों के एक साथ दर्शन हैं, जो कि सबसे विशाल का एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा शिवलिंग है 55 टन का, वो यहाँ इस शिव मंदिर गुफा वाला प्रीत बिहार में स्थित है, वहाँ के दर्शन करते हैं आप। और हमारे इस मंदिर का देख रेख शिव मंदिर गुफा वाला प्रीत बिहार की मैनेजमेंट कमेटी करती है और विधिवत करती है, हर प्रकार से आने जाने वाले श्रद्धालुओं की पूर्ण सुरक्षा, पूर्ण इंतजाम, पूर्ण बंदोबस्त किए गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी को दर्शन प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था जो होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस उसका पालन करते हुए विधिवत सबको दर्शन कराए जाते हैं और आने जाने की किसी प्रकार से कोई दिक्कत किसी को नहीं पड़ती। इसका काम जो है स्वयं मैनेजमेंट कमेटी अपनी निगरानी में देखती है और करती है। और पंडित जी हमें जरा ये बताइए कि ये मंदिर कितना पुराना है और यहाँ अगर श्रद्धालु आना चाहें तो क्या टाइमिंग होते हैं मंदिर के? देखिए टाइमिंग्स जो है श्रीमान जी, सबसे बड़ी बात है टाइमिंग्स तो चेंज होती रहती है। अब जैसे आप देखते हैं सर्दियों के टाइम पे जी 15 सितंबर के पश्चात 4:30 बजे से मंदिर खुल जाता है और 9 बजे तक खुला रहता है सुबह में। जी सर जी। और इसके पश्चात अप्रैल से आप जो देखते हैं ग्रीष्मकालीन जो समय होता है वो 5 बजे खुलता है, शाम को 5 बजे, और मॉर्निंग में तो यथावत खुलता ही है। सर्दियों में जो शरदकालीन समय है वो 5:30 का समय है मॉर्निंग में, और इवनिंग में 4:30, और जो ग्रीष्मकालीन समय है तो उसमें जो है मंदिर अपना 5 बजे खुलता है और जो है मॉर्निंग में 5 बजे। ठीक है। और ये मंदिर कितना पुराना है ये आप हमें बताएंगे जरा? जी मंदिर को तो करीबन हो गया 38 साल हो गया। 38 साल हो गया। हाँ 38 ईयर्स हो गया। जी जी। और यहाँ दिल्ली नहीं अपितु देश बल्कि विदेश से भी लोग जो है श्रद्धालुगण यहाँ परमात्मा के दर्शन करने के लिए जो है आते हैं और यहाँ के दर्शन करने के पश्चात अपने आप में भाव विभोर होते हुए, गदगद होते हुए और यहाँ से अपने घर की जो है घर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया, अब हम यहाँ की जो इन्होंने बताया मूर्तियाँ और झांकियाँ हैं जो उसको आपको दिखाना चाहेंगे, तो आइए चलते हैं। नमस्कार पंडित जी। जय श्री राम। जय जी। नमस्कार। तो यहाँ भोजपुरी गाने की शूटिंग हो रही है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए तो दोस्तों ये था हमारा गुफा वाला मंदिर प्रीत विहार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और हाँ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय माता दी।